गाइज वेलकम बैक माई चैनल। सो गाइज, तो आज मैं आपको बनाने वाली हूँ ये फ्रूट से, ये है बेल का। तो देखते हैं इसे मैं आज क्या बनाऊंगी, पूरा वीडियो आप देखिएगा और होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत जान को ये पता होगा इसके बारे में, बहुत जान को नहीं पता है, तो इससे मैं कुछ बनाने वाली हूँ। पहले ये इस तरह का है, तो ये गर्मियों में ही आता है ज़्यादातर और ये बहुत फायदेमंद है। गर्मियों में आप इसका यूज़ करेंगे तो काफ़ी फायदा है, जो कि जिसको पानी की कमी रहती है उसका दूर होता है। तो ये सच में बहुत इसके फायदेमंद है। तो आज इसका मैं बताती हूँ, दिखाते हैं क्या बनाते हैं। तो ये इस तरह का है, ये पूरा हार्ड होता है ऊपर से, तो अंदर से हम देखते हैं किस तरह का निकलता है। इसको ऐसे भी खाते हैं और इसको शरबत भी बनाते हैं, तो आज मैं इसका शरबत बनाऊंगी। तो गाइस देखते हैं कैसे बनाते हैं, बहुत लोग बनाते भी है, जो बहुत जान को पता भी होगा, बहुत जान को नहीं पता होगा। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं। पहले इसको मैं तोड़ती हूँ, अलग करती हूँ, ये बहुत हार्ड है, तो इसको मैं जमीन में पटकूंगी तो दो टुकड़े होंगे और देखते हैं ये पका निकलता है या कच्चा निकलता है। बट मैं परचेज की थी तो उस टाइम कहा गया था कि पका ही ये मीठा होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। तो इसको मैं तोड़ के लाती हूँ पहले। सो गाइस, मैंने इसको तोड़ लिया है, इस तरह का निकला है और ये सच में मीठा है, मैंने टेस्ट कर लिया है और काफी पका हुआ है। तो मैं इसका शरबत बनाऊंगी, ये बेल का, ये गर्मियों के मौसम में ही होता है और इसके बहुत फायदे हैं, आप YouTube में चेक कर लेना। वैसे मैं बता देती हूँ, गर्मियों इसको पीने से पानी की जो कमी होती है बहुत जान को, वो दूर हो जाती है, बॉडी एकदम ठंडी रहती है, गर्मी नहीं लगती है। तो हाँ, रेगुलर ना यूज करें, क्योंकि रेगुलर यूज करने से कहते हैं कि जो दर्दें होती है, जो ओल्ड होते हैं, जो पैरों में दर्द, हाथों पे दर्द, तो वो वापस हो स्टार्ट होने लग जाता है। ये बहुत ज्यादा ठंडा होता है और जिसको अंदर से बहुत गर्मी होती है, जिसके दाने निकलते हैं, तो वो इसका सेवन जरूर करें, शरबत बना के पी लें या इसको ऐसे ही खा लें, तो ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। बट मैं शरबत बनाऊंगी, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इस तरह का। तो आइए फटाफट से शरबत बनाते हैं। पानी ले रही हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेना है आपको और इसमें मैं अभी चीनी डालूंगी। सो गाइज, मैं अभी इतनी ही चीनी ले रही हूँ, मैं सिर्फ 2 या 3 ग्लास बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। हाँ, बाकी सबके लिए बाद में बनाऊंगी, बना के हम रख नहीं सकते, ये थोड़ा सा कड़वा हो जाता है लेट पीने से, तो जल्दी ही पीना पड़ता है उसी टाइम बना के। तो बस इतनी चीनी लूंगी, अगर मीठा है आपका बेल, इसको बेल बोलते हैं, मीठा है तो आपको ज्यादा चीनी नहीं लगेगी। तो पानी में ऐसे घोल लें हम चीनी को। सो गाइज, मैंने चीनी वाला पानी इस पे डाल लिया है, अब मैं इसको इस पे डालूंगी। आप इस पानी पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आइस क्यूब डालूंगी, आप ठंडे पानी में करोगे। अगर आइस क्यूब डालें तो आइस क्यूब डाल लो, जितना पानी आपको चाहिए उतना पे। इसके बाद ये आप लेंगे स्पून की मदद से, आप इसको ऐसे ऐसे निकाल लेंगे सारा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइज, आप इसको अच्छे तरह एकदम निकाल लें, मैंने हाफ निकाल लिया, थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ 2 या 3 ग्लास बनाना है। तो इसको ऐसे ही रख लेंगे, अगर बना के रखूंगी तो टेस्ट चेंज हो जाता है, इसीलिए जब पीना होगा फिर से बना लेंगे। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है बट सीरियसली बहुत टेस्टी होता है, आप जरूर ट्राई करें। आप हाथों की मदद से इसको ऐसे अच्छे से मल लें, पूरा अच्छे से मसल कर आपको इसका छानना है छन्नी से, स्टील की छन्नी हो तो ज्यादा बेटर है, मेरे पास है नहीं, तो आपको इसको अब ट्रांसफर करना है। सो गाइज, रेडी है हमारा बेल का शरबत, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट पे बताइएगा आपको भी पसंद है या नहीं, आपने ट्राई किया या नहीं।
अगर नहीं किए तो एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।